वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे ही बिहार की सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। कुछ नेताओं के बीच चुनावी विचारधारा की लड़ाई है तो कुछ के लिए व्यक्तिगत। ऐसा ही कुछ इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और बिहार सीएम नीतीश कुमार के बीच है। इन दिनों राजनीतिक तल्खी से ज्यादा इन दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तल्खी देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर वह कौन सी वजह है जो केंद्र सरकार में एक साथ होने के बावजूद राज्य में इन दोनों पार्टियों में नहीं बन पा रही है। दरअसल नीतीश कुमार लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान और उनके बीच के उम्र के फासले का काफी जिक्र करते हैं, जिसे शायद चिराग पासवान खुश नहीं है। लोजपा नेताओं का कहना है कि बीते एक साल में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान और जदयू चीफ नीतीश कुमार के बीच बेहद कम बातचीत हुई है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। इसके बावजूद चिराग पासवान इस बात से नाराज बताए जाते हैं कि सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि वह मतभेदों को दूर करने के लिए पासवान सीनियर यानी कि रामविलास पासवान से गंभीरता से बात करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश द्वारा गंभीरता से ना लिए जाने के कारण ही चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से नाराज है। बीते कुछ समय में चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर नीतीश सरकार की आलोचना की है, इनमें कोरोना और बाढ़ के मुद्दे भी शामिल है। चिराग पासवान का यह भी आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार उनके फोन का जवाब नहीं देते हैं। चिराग पासवान बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके हैं। चिराग के हमलावर रूप को देखते हुए जदयू भी लोजपा पर पलटवार कर रही है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की तुलना कालिदास से की है। ललन सिंह ने कहा है कि वो क्या कहते हैं ये वो जाने। एक कालिदास भी थे जिनके लिए प्रसिद्ध है कि वह जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटने में लगे थे। गौरतलब है कि लोजपा और जदयू के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप पर बीजेपी ने भी लोजपा को नसीहत दी है। दरअसल बीते दिनों लोजपा चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की थी। इस दौरान बीजेपी ने लोजपा को नसीहत दी थी, उसे अपनी ताकत का आकलन करने में यथार्थवादी रहना भी जरूरी है ताकि गठबंधन में किसी तरह का दरार उत्पन्न न हो। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी पार्टी किसके साथ जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप इस पूरे राजनीतिक पर क्या कहना चाहते हैं वो भी लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।